आगर पीपलोन कला में मंगलवार को लाखन पिता ओंकार सिंह राजपूत ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती रात उसकी मोबाइल दुकान से अज्ञात चोर 8 मोबाइल और 30,000 की नकदी चोरी कर ले गए। मोबाइल दुकान से चोरी किए गए मोबाइल फोन की कीमत 67,000 रुपये थी। पुलिस ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत सिंगार ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पिपलोन कला पर 4-5 मोबाइल बेचने की बात कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। पुलिस द्वारा संदेही से पूछताछ करने पर कोई सही जवाब नहीं देने पर शंका जाहिर हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी लाड सिंह पिता अंबाराम मीना पिपलोन कला द्वारा मोबाइल की दुकान से चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के घर में रखी एक पेटी में से नकदी 24,500, एक जोड़ चांदी की पाइजेब, एक ब्रेसलेट, 5 एंड्रॉइड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल कुल कीमत करीब 91,500 के बरामद किया गया। दिनांक 7/12/2021 से 3/1/2022 के मध्य में पिपलोन कला में एक किराना व्यापारी है जो अपनी दुकान में ताला लगा कर कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसने दिनांक 3/1/2022 को रिपोर्ट किया आकर कि मेरी दुकान में से 8 मोबाइल फ़ोन, 30,000 रुपये नकदी और ज्वेलरी, कुछ चांदी के पाइजब और ब्रेसलेट वगैरह कोई अज्ञात बदमाश चुरा के ले गया, जिस पर से दिनांक 3/1/2022 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला आगरमालवा के निर्देशन में नेतृत्व में अज्ञात बदमाश की पतारसी शुरू की गई और इसके चलते पुलिस को जो है सफलता 4/1/2022 को मिली। उसमें संदेही लाड सिंह पिता अंबाराम मीणा निवासी पिपलोन कला जिससे पूछताछ करी इसने जुर्म कबूल किया, जिसके कब्जे से पुलिस को चोरी गया मशरू का जिसमें से 24,500 नकदी, 8 मोबाइल फ़ोन, एक जोड़ी चांदी की पाइजब, एक चांदी का ब्रेसलेट कुल कीमती करीबन 91,500 का बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो है इसमें सराहनीय कार्य में पिपलोन चौकी को सफलता प्राप्त हुई है। ये थी हमारे संवाददाता एहतशाम खान की रिपोर्ट।